नागरिकता कानून CAA के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। नागरिकता के इस नए कानून को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। पूर्वोत्तर के लोग अस्मिता और संस्कृति को बचाने का हवाला देकर संघर्ष कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज इस कानून को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताकर विरोध कर रहा है। उन्हें लगता है कि इस विधेयक के जरिए मुसलमानों को आने वाले समय में NRC प्रक्रिया के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए CAA के खिलाफ मचे बवाल को NRC के विरोध का ट्रेलर माना जा रहा है। लोगों में एक आम धारणा है कि नागरिकता कानून और नेशनल नागरिक रजिस्टर NRC एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए विदेश मामलों के जानकार अभिषेक खरे से जानते हैं इन दोनों चीज़ों के बीच का अंतर। देखिए, आज हम बात करते हैं कि CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC यानी नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप क्या है। तो बेसिकली आपको पता होगा पिछले 10-15 दिन से लगातार देश में, संसद में, हमारे पूर्वोत्तर के राज्य जो असम है, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा वगैरह में बहुत ज़्यादा हिंसा चल रही है इस बिल को लेके। तो थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर ये दोनों बिल हैं क्या। देखिए, जो CAA है यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है, अब पहले वो बिल था, अब वो एक्ट बन चुका है, तो उसमें देश के जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो 6 जातियां भारत आ रही हैं, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी, इनको जो हमारा नागरिकता अधिनियम है 1955 उसमें संशोधन करके इन्हें नागरिकता दी जा रही है। देखिए, सिटीजनशिप जो हमारा एक्ट है 1955, उसके हिसाब से किसी भी व्यक्ति को लगभग भारत में 12 वर्ष में सिटीजनशिप मिलती है, लेकिन CAA के लागू होने के पश्चात जो जातियां मैंने आपको बताई हैं उन्हें भारत में 6 वर्ष के अंदर ही नागरिकता मिल जाएगी। और इसके लिए जो कट ऑफ समय रखा गया है वो 31 दिसंबर 2014 रखा गया है। और ये विशेषकर, जैसा मैंने बताया, वो 6 जातियाँ हैं, केवल उनके लिए ही ये बिल है। इस बिल में मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। तो ये तो है CAA, लेकिन इसके साथ साथ जो NRC को मिलाया गया है, NRC को लोग जो मिला के बात कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। NRC है नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप। देखिए, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप में अभी कुछ समय पूर्व ही असम में NRC को लागू किया गया था। NRC का उद्देश्य है असम के ऐसे अवैध उत्प्रवासी, जो अवैध नागरिक जो बाहर से असम आए हैं, उनकी पहचान करना और उनकी पहचान करके उन्हें बाहर निकालना। तो जो NRC अभी हाल में ही कंप्लीट हुई है, 2019 में इसे कंप्लीट किया गया है, 31 अगस्त 2019 को इसे कंप्लीट किया गया है, उसके द्वारा लगभग 19 लाख ऐसे व्यक्ति पाए गए असम में जिनके पास अपनी नागरिकता साबित करने के प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो NRC का उद्देश्य है अवैध नागरिकों को जो विभिन्न देशों से भारत आए हैं उन्हें देश से बाहर निकालना, जबकि CAA का उद्देश्य है 3 देश के जो नागरिक हैं, 3 देश की जो 6 जातियां हैं, उनके नागरिकों को नागरिकता देना। तो एक का उद्देश्य है नागरिकता देना और दूसरे का उद्देश्य है अवैध जो नागरिक हैं उन्हें देश से बाहर करना। देखिए, एक तो बड़ा महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उससे देश के मुसलमानों को खतरा है, ऐसे एक हाइप बनाई जा रही है, बहुत सारे विभिन्न दल के लोग बोल रहे हैं। पहली बात तो ये कि देश के मुसलमानों से CAA का कोई लेना देना नहीं है। ये केवल, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, 6 जातियों के लिए नागरिकता देने का बिल है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आने वाले हैं, जिनमें हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध, ये 6 जातियों के लिए। इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है, लेकिन ये उन 3 देशों के मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। तो देश के मुस्लिमों का इससे कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं कैसे इसकी हाइप बनाई जा रही है कि देश के मुसलमानों को खतरा है, उनकी नागरिकता को खतरा है। मुझे तो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई भी परेशानी उनको आने वाली है। ये मुझे लगता बहुत सारा राजनीति इसमें शुरू हो गई है, जिसकी वजह से शायद इसमें परेशानी आ रही है। देश के नागरिकों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से, बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं बता रहा हूँ, कोई भी खतरा नहीं है, ना उनकी नागरिकता ली जा रही है। देखिए, ये सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि इस बिल का संबंध है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, जो कि 6 जातियाँ मैंने पहले बताई हैं,
उन अल्पसंख्यकों को जो वहाँ प्रताड़ित होते हैं, जिनको वहाँ पे जिन पर वहाँ पे अत्याचार होते हैं, उन्हें यहाँ पर नागरिकता देने के लिए, क्योंकि सरकार का कहना है कि वहाँ मेजॉरिटी में मुस्लिम हैं तो वो उनको क्यों नागरिकता देंगे, वो तो ऐसी माइनॉरिटी को नागरिकता देंगे जिनको वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। तो बड़ा स्पष्ट है कि इस बिल का किसी भी मुस्लिम को डरने की ज़रूरत नहीं है, मुस्लिमों से इस CAA का कोई खास संबंध नहीं है, इससे भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता का कोई संबंध नहीं है, ना उनकी जांच हो रही है। इसके बारे में जो भ्रम और अफवाहें फैलाई जा रही हैं उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, चाहे हम बात करें जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जब ये पूर्णतः लागू हो जाएगा और उसके पश्चात देश के मुसलमानों को, तो इससे कोई भी खतरा किसी तरह का है नहीं। जैसा मैं पूर्व में भी पूरी बातचीत कर चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं, ये तो सिर्फ जो लोगों को गलत तरीके से बताया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उससे बचने की आवश्यकता है। CAA से मुसलमानों को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं, भारतीय मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं विशेष तौर पर, उन्हें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है।